Can I be your superhero? तो है गाइस बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो स्पेशली डेली ब्लॉग है, ठीक है। तो बहुत दिनों से मतलब मैं एक भी ब्लॉग नहीं शूट किया, और साइकिल से आने के बाद तो क्या बताऊँ, घर से ही नहीं निकल पाया, ठीक है। तो आज थोड़ा इधर चलते हैं, बहुत दिन हो गया इस तरफ आते हुए हमको। तो बाइक को थोड़ा खींचूँगा और देखता हूँ। और एक्चुअली आज जो सानी है ना, वो भी मतलब पता नहीं कहाँ पे कॉल किया था, मतलब कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा था। सोचा कि उसके साथ राइड पे निकलूँगा। एक्चुअली उसके साथ जब राइड पे निकलता हूँ तब मज़ा आता है, अकेले अकेले में राइड करके इतना मज़ा नहीं लगता। तो एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि बाइक का जो थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, मतलब ये जो मिरर है ना, ये तो मतलब KTM शोरूम से जो आता है बाइक के साथ वो बहुत ही बड़ा है, तो उसको मैंने हटा लिया है। और सोच रहा हूँ कि साइड पे जो मिरर है उसको लगाऊं ऐसे करके, वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है फ्लिपकार्ट से, और जिस दिन आएगा उस दिन मैं मतलब मोटिवेशन करके उसका भी एक ब्लॉग बना दूंगा, ठीक है। तो कैसा दिखेगा बाइक का जो लुक है वो साइड मिरर पे। तो ये देखो सामने एनफील्ड भाई, हमारे बाइक में ही एग्जॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा वो हम लोग जाएंगे निर्मल पे, तो वो ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं मतलब फ्राइडे को, जो 3 तारीख है, और 4 तारीख आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिल जाएगा। निर्मल, सिपाहीजोला, उदयपुर और राजबाड़ी, मतलब 4 प्लेस है जहां हम लोग फिर से जाएंगे। एक्चुअली निर्मल पे मैंने कभी भी नहीं गया, तो वहाँ पर हम लोग फास्ट ही जाएंगे, ठीक है। तो भाई इस तरफ ना बहुत दिनों के बाद आए हो भाई, बहुत दिनों के बाद। तो एक्चुअली ये डेली ब्लॉग है, तो मतलब आज ऐसा कोई टॉपिक वगैरह नहीं है कि मतलब ऐसा ब्लॉग बनाओ। तो सोचा कि छोटा सा एक राइड करते हैं, और बाइक भी 2-3 दिन से मतलब राइड पे नहीं निकल पा रहा था, तो आज सोचा कि निकलेंगे ही। और सानी भी नहीं आया, तो इसलिए थोड़ा मतलब इतना मज़ा नहीं आता था, मतलब क्या बताओ यार, उस सानी के बगैर मतलब इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो भी खींचता है अच्छा से, तो उसके साथ राइड करके मतलब मज़ा भी उतना ही आता है भाई। और यहाँ से तो खींचने का मज़ा ही कुछ अलग है, और इस तरफ शाम के टाइम इतना अच्छा लगता है भाई, क्या बताओ यार, कितना खूबसूरत लगता है इस तरफ। तो इधर थोड़ा थर्ड गियर का टेस्ट करते हैं भाई। अगर ये रोड ना सीधा होता तो भाई डायरेक्ट खींच के पकड़ लेता, और अगर यहाँ से मतलब पूरा जो रोड है ना वो पूरा स्ट्रेट होता तो आप लोगों को टॉप स्पीड दिखा सकता था। तो क्या होता है कभी कभी ना, ऐसे रोड जो है ऐसे ऊपर ऊपर मतलब स्टेबल नहीं है जो रोड है, इसलिए थोड़ा ब्रेक भी मारना पड़ता है कभी कभी, वरना तो भाई इस जगह पर टॉप स्पीड उठाना कोई बड़ी बात नहीं है।
तो भाई इस तरफ आता हूँ थोड़ा खींच सकता हूँ इसलिए आता हूँ भाई, क्योंकि हमारे इधर रोड नहीं है, क्या करूँ यार। और वो जो हाईवे हो रहा है ना, वो भी शायद 3 या 2 साल से पहले तो नहीं होगा शायद। तो ये जो नदी है ना, ये रामचंद्रगढ़ का नदी है, अभी तो इतना पानी भी नहीं है। तो अभी तक हम लोग 14.7 किलोमीटर चला चुका हूँ, और खोए जाने के बाद देखता हूँ कहाँ पे जा सकता हूँ। ये जो आप लोग सामने इलेक्ट्रिक वाहन देख रहे हो ना, वो जो ऑटो की तरह है, मतलब इलेक्ट्रिक, जो इसको टम टम भी बोलते हैं, टुक टुक भी बोलते हैं, इसका भाई बहुत ही स्पीड है यार, ज़बरदस्त स्पीड, क्या बताओ यार, 3.5 लाख का शायद है। और ऑटो की वो सामने जो ऑटो है ना, उसके मतलब क्या बहुत ही ज़्यादा स्पीड है भाई इसका। उस दिन मेरे साथ मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था भाई, दोनों ना ड्रैग रेस लगा रहा था क्या बताओ यार, देख के मुझे मज़ा आ गया था भाई। उसका भी बहुत ही स्पीड है, एक्चुअली इसका थोड़ा ज़्यादा है, बात उसका भी कम नहीं है, अच्छे से चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं खुवाई पे, और एक्चुअली हमारा जो खुवाई में है ना, पेट्रोल का थोड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली। वो हमारा जो मतलब रेल स्टेशन है शायद, एक्चुअली पता नहीं कहाँ पे, सिलचर या कहीं पे, मतलब वो जो उस दिन बारिश हुआ था तब ख़राब हो गया था, तो जिसकी वजह से मतलब पेट्रोल इतना नहीं, मतलब स्टॉक में नहीं है ज़्यादा, तो 2 लीटर से ज़्यादा हमारे हमको नहीं देता पेट्रोल पंप पे। तो ये हमारा छोटा सा टाउन है खुवाई, जो बहुत ही खूबसूरत है भाई, अगरतला का जैसा तो नहीं है, बट ये क्या निकला हम मेरे सामने से भाई, आरएस। तो अगर आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो थोड़ा सा राइड ही है भाई इतना, मतलब क्या बताऊँ, एक्चुअली मेरे साथ कोई नहीं है ना, इसलिए बड़ा कहीं पे घूमने जाते और अकेले अकेले इतना मज़ा नहीं आता भाई राइड करते हुए। एक जो मतलब अपना दोस्त होता है ना, तब चलाने का थोड़ा मज़ा भी आता है, और उसके साथ रेस करने का जो मज़ा है ना, वो तो कुछ अलग ही लेवल है। तो अभी निकलते हैं इधर से, हम लोग जाएंगे थोड़ा सामने उधर, देखिए अपना जो ब्लॉग है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को पता ही है क्या आएगा, निर्मल पे राइड, और भाई क्या बताऊँ, वो ब्लॉग आप लोग देखना, मेरे से जितना होगा उतना करूँगा। और अगर आप लोग साइका का जो ब्लॉग है वो नहीं देखा, तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, चारों के चारों ब्लॉग आप लोग देख लेना, ठीक है। तो अभी हम लोग जाएंगे नीचे, बाइक का जो टेम्परेचर ना बहुत ही हाई हो चुका है, क्या बताऊँ। तो आप लोगों को थोड़ा बाइक का जो लुक है ना, वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा बाइक, तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, और मतलब ये जो मेरा DRL है इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, और यहाँ पे मेरा चैनल का नाम, और यहाँ पे अपना जो मतलब साइड मिरर है यहाँ पर लगेगा, और उसके बाद तो इसका लुक और भी सेक्सी हो जाएगा भाई, क्या बताऊँ। उस टाइम इसका जो लुक है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, ठीक है।